तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड वर्क, सिक्योरिटी गार्ड का काम दोस्त आप किस तरीके से ले सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन हम भी इसमें बताएंगे, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है हम बताएंगे दोस्त। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कहाँ से आप अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, आपको कहाँ से ये जॉब मिलने वाली है। देखिए दोस्त, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और ये काम जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, और आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनीज होती है उनके बाहर जो चेक करते हैं आपको, वो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या ये क्या करते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं उस कंपनी को, एक तरीके से कोई भी माल इधर उधर आए ना उसके लिए वो वहाँ रहते हैं और साथ ही साथ वो पूरा सिक्योरिटी करते हैं पूरा जो कंपनी का है, या कोई भी जैसे कुछ कोठी वोटीज हो गई वहाँ भी ये लोग काम करते हैं। और देखिए दोस्त, आपको अगर ये जॉब लेना है तो आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिल्कुल लेजेंड जॉब है तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वर्क इंडिया एप्लीकेशन खोलना है। देखिए दोस्त, वर्क इंडिया एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको लेजिट जॉब प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब प्रोवाइड करता है। तो यहां से आपको ये जॉब फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे बता रहा हूं। सबसे ऊपर जो आपका है आप देखेंगे कि यहां पे सर्च बार दिया हुआ है, इस सर्च बार पर आपको जाना है, यहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड सर्च करना है। सिक्योरिटी गार्ड जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी जॉब यहाँ पे दिखाई देंगी। देखिएगा, वर्क इंडिया एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये नियरेस्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 से 18 हज़ार रुपये तक की सैलरी है सिक्योरिटी ऑफिसर का, और ये 6 किलोमीटर के अंदर हमारी ये जॉब आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आप देखेंगे कि क्या लोकेशन है, क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इंग्लिश बोलना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कितनी ईयर का एक्सपीरियंस है और क्या जॉब टाइमिंग है, ये सब आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ कौन सी कंपनी जो है इसका हायरिंग कर रही है उसका डिटेल भी आपको यहां से मिल जाता है। यहां पे सीधा आप क्या कर सकते हैं कि अप्लाई नाउ जो नीचे करके ऑप्शन है वहां से अप्लाई करके सीधा इनसे बात कर सकते हैं। देखिए सिक्योरिटी की जॉब में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत से लोगों को डाउट रहता है, ये डाउट ये है कि कंपनी यूनिफॉर्म, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलरली इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि कंपनी यूनिफॉर्म जो होता है इसके लिए 1500 रुपये लगते हैं, और ये मैं आपको बता दूं ये कोई फ्रॉड नहीं है। 1500 रुपये इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको इस ड्रेस मिलता है, जैसे कि जूता हो गया, आपका शर्ट हो गया, उसके बाद आपकी पैंट हो गई, टाई हो गया, आई कार्ड हो गया, ये सब आपका ये बनाकर देते हैं। और ये इसलिए ये पैसा लेते हैं कि क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म लेके और चले जाते हैं, फिर वो जॉब पर नहीं आते, इसलिए ये सिक्योरिटी मनी के तौर पर आपसे, ये यूनिफॉर्म किट के तौर पर आपसे ये पैसा लेते हैं। खासकर ये होता है सिक्योरिटी में। आप देख सकते हैं अलग भी बहुत सारे जॉब हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के, देखे सिक्योरिटी गार्ड जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस भी लोकेशन में आप रहते हैं और आपसे ये बहुत पास पड़ता है तो आप यहां पर काम कर सकते हैं। देखिए जो इसका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की आप बात करते हो तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम इस सिक्योरिटी गार्ड वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ये मांगते हैं वो 10th क्लास होती है, क्योंकि सिक्योरिटी में ज्यादा आपके क्वालिफिकेशन की आवश्यकता आपको नहीं होती है, आपको 10th पास करना होता है, या 12th पास है तो और अच्छा है, अगर आप ग्रेजुएशन है तो सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां आप काम कर सकते हैं। देखिए सिक्योरिटी में क्या काम करना हो तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि क्या करना होता है, आपको चेकिंग करनी होती है, या अगर आप पार्किंग में है तो आपको क्या कहते हैं एंट्री करनी होती है, आपको ये देखना होता है क्या माल अंदर आ रहा है क्या जा रहा है, ये सब आपको चीजें देखनी होती है, ये सिक्योरिटी का वर्क होता है। अच्छा खासा सैलरी है, जो न्यूबीज हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किसी फील्ड में वो सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि ATMs में भी सिक्योरिटी वाले बहुत सारे होते हैं जिनका काम बहुत मिनिमल सा ही रोल होता है, क्योंकि वहां हर किसी को विड्रॉल करना आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा वर्क है सिक्योरिटी गार्ड का। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए तो आप वर्क इंडिया एप्लीकेशन से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक जॉब पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको ये भी मिल जाएगा कि आप किस
किस वाले बंदे से आपको कांटेक्ट करना है, क्या नाम है, क्या इंटरव्यू का टाइमिंग है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हो, आपको सिंपली नीचे जो अप्लाई नाउ का बटन दिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करके और इसको अप्लाई कर लेना है। तो ज्यादा कोई बड़ी बात यहाँ पे दोस्त है नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए तो आप यहाँ से जॉब ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्त कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।